आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। इफेन थ्रोम्बोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में कहीं किसी एक नस के भीतर रक्त का थक्का बन जाता है। इसी को लेकर आज डॉक्टर प्रवीण जिंदल ने उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें इससे कैसे बचाव करना चाहिए और क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। खून जम जाता है और ये जमा हुआ खून अगर टूट के हार्ट की तरफ को या फेफड़ों की तरफ को चला जाए तो उससे जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए इस बीमारी के बारे में जागरूकता होना और इस बीमारी का तुरंत उपचार करना अति आवश्यक है, ताकि भविष्य में होने वाली अपंगता से और जान जोखिम वाले जो सिचुएशन आती है उससे बचा जा सके। पूछेंगे तो प्रिकॉशंस के बारे में, एक तो आप अपना वजन नियंत्रण में रखें, फिजिकली एक्टिव रहें, अगर धूम्रपान करते हैं तो उससे बचें, अगर शराब का सेवन करते हैं तो उससे भी बचें, आपको बीपी शुगर कुछ है तो उसको कंट्रोल में रखें, आपको अगर कैंसर का रोग पाया गया है तो अपने कैंसर के रोग चिकित्सक से संपर्क कर अपनी दवाओं को शुरुआत करें ताकि आप इससे बच सकें। और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जैसे लकवा है या अपंगता है या कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके उनसे ये सुनिश्चित करें कि अगर आपको डीबीटी होने की संभावना है तो इसके प्रिवेंशन के लिए जो भी उपाय किए जा सके, चाहे वो दवाइयों के रूप में है, इंजेक्शन के रूप में है या कोई और जुराबों के रूप में है, तो उसका तुरंत उसको यूज़ करें ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। ऐसा है अगर इसका तुरंत पता चल जाए तो इसमें पहले शुरुआत में कई बार हम लोग खून पतला करने की दवाई देते हैं इंजेक्शन के रूप में, और उसके बाद उस दवाई को गोलियों में या कैप्सूल में परिवर्तित कर दिया जाता है, और इसके साथ आपको एक जुराब पहनने की सलाह दी जाती है और नियमित रूप से अपने चिकित्सक से संपर्क रहने में एक राय दी जाती है, ताजो अगर कुछ भी से समस्या उत्पन्न हो तो आप तुरंत उसके चिकित्सक से संपर्क कर उसका निदान कर सकें। We'll be right back.